अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई है. दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर ऑन एक्यूट इन्फ्लेमेशन. और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो पूरा प्रोसीजर हमने पीछे पढ़ा है, आखिर वो किस तरह से हो रहा होता है, उस प्रोसीजर को कंट्रोल कौन कर रहा है, मीडिएट कौन कर रहा है, और उसको रेगुलेशन उस प्रोसेस की पूरी किस तरह से हो रही है. तो इस लेक्चर में हम केमिकल मीडिएटर्स एंड रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे. देन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स विच आर इन्वॉल्व इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एंड इफ देर आर टू सोर्सेज, सेल डिराइव मीडिएटर्स एंड प्लाज्मा डिराइव मीडिएटर्स, सो हाउ दे एक्ट एंड व्हाट्स द रोल दे आर प्लेइंग इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कस्ड. सो व्हाट आर केमिकल मीडिएटर्स? Mediators may be produced by cells at the site of inflammation or may be derived from circulating inactive precursors typically synthesized by the liver. Mean these could be proteins or any kind of chemical substance which will mediate the process of inflammation, control it or regulate it. And mostly mediators jo hain wo unke receptors hote hain जिनके साथ बाइंड करके डिफरेंट सेल्स की इंटरेक्शन के थ्रू ये जो है प्रोसीजर आगे प्रोसीड हो रहा होता है, जो भी वो काम कर रहे होते हैं. यहाँ पर कुछ मीडिएटर्स को उनके फंक्शन के हवाले से लिस्ट किया गया है, लाइक वेजो एक्टिव मीडिएटर्स एक्ट ऑन योर वेसल्स, एंड कीमोटैक्टिक फैक्टर्स में आ जाते हैं जो कीमोटैक्सिस करवा रहे होते हैं. लाइक वेजो एक्टिव में के कुछ नाम है, हिस्टामिन है, ब्रेडिकाइनिन है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो गई, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, नाइट्रिक ऑक्साइड. और कीमोटैक्टिक फैक्टर्स में आते हैं कॉम्प्लीमेंट, ल्यूकोट्रिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, साइटोकाइंस में इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. एंड कीमोकाइंस हो गए नाइट्रिक ऑक्साइड. We have classified the chemical mediators according to its source. Like some mediators are cell derived and some are plasma derived. Plasma protein derived होते हैं. So cell derived में आ जाते हैं कि जो cells से release हो रहे हैं वो mediators, वो chemical substances. And जैसे कि इस diagram में देख सकते हैं आप कि preformed mediators भी हो सकते हैं newly और at that time synthesized भी हो सकते हैं. प्रीफॉर्म्ड में मतलब जो पहले से मौजूद हैं सेल्स के अंदर, उसमें आ जाते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन. और ये मोस्टली कौन से सेल्स रिलीज करते हैं? मास सेल्स, बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स. जबकि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड हैं, जो एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेमेशन और एक्शन के टाइम पर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं, दीज आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ल्यूकोट्रिन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ROS हो गई, NO हो गए, साइटोकाइंस हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स हैं. और इनके सोर्सेज भी मोस्टली तमाम ल्यूकोसाइट लिखा है, मास सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस एंड न्यूरोफाइबर्स ल्यूकोसाइट्स. प्लाज्मा प्रोटीन ड्राइव में लिवर जो है वो हमारा मेन सोर्स है, बहुत सारी प्रोटीन्स ये बना रहा होता है और आपके ब्लड में, आपके प्लाज्मा में दे आर सर्कुलेटिंग. सो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास, उसकी प्रोटीन्स होती हैं काफ़ी सारी इस सिस्टम की, इसमें C3A, C5A, C3B, C5B, दे आर मोर इंपॉर्टेंट. लाइक C3A और 5 को एनाफाइलोटॉक्सिन कह रहे हैं. और इसके अलावा फैक्टर 12 जो है, इनकी बात हम आगे करते हैं कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, but they are involved in the process of inflammation. Cell derived mediators की बात करते हैं. हिस्टामिन जो कि preformed chemical mediators है, ये basophils और platelets में मौजूद होता है. mostly ये release किस तरह से होता है कि जब mast cells पर IgE एक antibody हमारी body में मौजूद होती है या आकर bind होती है, तो इसके जो हमारे basophils के granules हैं वो अपने इसको हिस्टामिन को रिलीज कर देते हैं. ये तो आपके पास एक इम्यून रिएक्शन की एग्जांपल होगी. इसके अलावा कुछ नॉन इम्यून मैकेनिज्म्स भी हैं, जैसे कि कोल्ड, ट्रोमा और किसी और तरह की इंजरी जो है उसमें हिस्टामिन रिलीज कर सकते हैं हमारे बेसोफिल्स या प्लेटलेट्स. और इसके अलावा कुछ दूसरे मीडिएटर्स हैं जो आकर इन सेल्स पर एक्ट कर सकते हैं टू रिलीज द हिस्टामिन.
एंड द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन इज डायलेट्स आर्टेरियोल्स एंड इंक्रीज परमियबिलिटी ऑफ विन्यूल्स एंड दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन, यानी जो स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस हो जाती है इन्फ्लेमेशन में, वो इसकी वजह से हो सकती है. एरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, दीज आर द प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम द मेटाबोलिज्म ऑफ एरेकिडोनिक एसिड. एरेकिडोनिक एसिड आल्सो कॉल्ड एज इकोसानोइड्स बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम 20 कार्बन फैटी एसिड्स. एरेकिडोनिक एसिड के जो मेटाबोलाइट्स हैं, इनके मेटाबोलिज्म से बनने वाले जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, और उनके बहुत सारे रोल हैं जैसे कि मेंशन भी हैं, अभी हम पढ़ते हैं. लेकिन बेसिकली एरेकिडोनिक एसिड जो है वो डिराइव्ड, ये एक फैटी एसिड है और ये ड्राइव होता है लाइनोलिक एसिड से, और ये प्रेजेंट होता है अपनी एस्टर फॉर्म में इन सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनका कंपोनेंट है. जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन से या दूसरे मीडिएटर्स के थ्रू ये जो है एरेकिडोनिक एसिड, ये भी सेल मेम्ब्रेन से निकलकर सेल में रिलीज हो जाता है फॉस्फोलाइपेसिस के थ्रू, और फिर इसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है. जब इसका मेटाबॉलिज्म के थ्रू मजीद प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हम अभी आगे देखेंगे, दे हेल्प और दे मीडिएट इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, लाइक प्रोस्टाग्लैंडेंस, ल्यूकोट्रिन्स हो गए, लाइपोक्सिन्स हैं, ये सब जो है इन्फ्लेमेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू रेगुलेट द इन्फ्लेमेशन. प्रोस्टाग्लैंडेंस में मेजरली वेजोडायलेटर्स भी हैं, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स भी हैं, ऐसे भी हैं जो पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, फीवर वाले भी हैं. तो प्रोस्टासाइक्लिन में जैसे और वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर में थ्रोम्बैक्सिन E2 आ जाता है पेन के लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, फीवर भी, NSAID. ओके, इनके मेटाबोलाइट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास इस तरह के ड्रग्स हैं जो कि एरेकिडोनिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को रोक सकते हैं, तो आप इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं या उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने से रोक सकते हैं. तो हम इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिंस में भी ऑलमोस्ट यही यूज़ हुए होते हैं इनको ब्लॉक करने के लिए, इनके मेटाबॉलिज्म को. इसी तरह से ल्यूकोट्रिन्स में वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करने वाले ल्यूकोट्रिन C4D4E4 वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन में है. ल्यूकोसाइटेड हीन और कीमोटेक्सिन में ल्यूकोट्रिन B4 का इंपॉर्टेंट रोल है. AGT है, लाइपोक्सिन्स हैं, और इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मीडिएटर्स हैं हमारे इन्फ्लेमेशन के. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलिज्म, ये सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड एरेकिडोनिक एसिड था, फॉस्फोलाइपेसिस के थ्रू ये इसकी ब्रेक डाउन हुई है एंड एरेकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया. सो देर आर टू पाथवेज जिसमें ये फर्दर मेटाबॉलिज्म जा सकता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज है और 5-लाइपोऑक्सीजिनेज है. साइक्लोऑक्सीजिनेज विल प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडेंस, प्रोस्टाग्लैंडिन G2H2, एंड दैट विल फर्दर प्रोड्यूस प्रोस्टासाइक्लिन PGI2, थ्रोम्बैक्सिन A2, और ये मेन है इनका रोल है. प्रोस्टासाइक्लिन विल कॉज वेजोडाइलेशन, इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, एंड थ्रोम्बॉक्सिन कॉजेज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड प्रमोट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन. आप देखें कि बिल्कुल एंटागोनिस्ट एक दूसरे के काम कर रहे हैं. इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन D2E2 वेजोडाइलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. लाइपोक्सीजनेज जो है वो 5-HPET कंपाउंड बनाता है जो कि फर्दर लाइपोक्सिन्स बना रहे हैं. लाइपोक्सिन्स बेसिकली ना एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं. देखें, दे इनहिबिट न्यूट्रोफिल एडहेशन एंड कीमोटैक्सिस, सो दे डू नॉट हेल्प इन इन्फ्लेमेशन. इनफैक्ट दे हेल्प इन लोअरिंग दिस इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए. तो इनको आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में भी यूज कर सकते हैं, ब्रोंकोस्पैज्म और ये. लेकिन ल्यूकोट्रिन्स अगर इस तरफ जाता है मेटाबॉलिज्म एंड C4D4E4 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सो दिस विल प्रोड्यूस इंक्रीज्ड वास्कुलर परमेबिलिटी एंड कीमोटैक्स. ल्यूकोट्रिन B4 इज इंपॉर्टेंट फॉर कीमोटैक्सिस टू अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन. सो ये रेगुलेशन ही है, मतलब कुछ फैक्टर्स दे आर प्रमोटिंग द प्रोसेस एंड सम फैक्टर्स इनहिबिटिंग इट.
Platelet activating factor is also a cell derived mediator. It's a subclass of phospholipids synthesized by stimulated platelets. Platelets के थ्रू बन रहा है ये ल्यूकोसाइट्स भी इसको रिलीज करते हैं एंड एंडोथेलियम सेल्स भी. फंक्शन इनका क्या है कि ये स्टिमुलेट प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन करवा रहे हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, विस्ट्रालेशन, इंक्रीज विन्यूलर परमेबिलिटी, ल्यूकोसाइट एडहीजन एंडोथेलियम के साथ इंक्रीज हो रही है, कीमोटेक्सिस में भी इम्पॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो दे इफेक्ट द रेकिडोनिक एसिड मेटाबोलिज्म. सो इट हैज मल्टीपल इफेक्ट्स. साइटोकाइंस आर द प्रोड्यूस बाय मेनी सेल टाइप्स एंड मेजरली अगर बात करें आप तो दे आर एक्टिवेटेड बाय फ्रॉम लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, मॉड्यूलेट द फंक्शन ऑफ अदर सेल टाइप्स. साइटोकाइन एक तो अपना इनका डायरेक्ट फंक्शन होता है, इसके अलावा ये दूसरे सेल्स और दूसरे सेल्स के फंक्शन को भी साथ में इन्हांस और इनहिबिट करने की एबिलिटी रख रहे होते हैं. इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो इन्फ्लेमेशन में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, वो इंटरल्यूकिन 1 होता है एंड ह्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है. दे मीडिएट इन्फ्लेमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स. कीमोकाइंस आर दी स्मॉल प्रोटीन्स दैट एक्ट प्राइमरीली एज कीमो अट्रैक्टेंट्स. मीन हमने बात की थी कि ल्यूकोसाइट्स को एट द साइट ऑफ इंजरी और इन्फ्लेमेशन के लिए अट्रैक्टेंट्स होते हैं कीमोटेक्सिस में, तो कीमोकाइंस आर वन ऑफ दोज. Stimulate leukocyte recruitment in inflammation, control the normal migration of cells through tissues, normal migration हो जाए इसको भी ये control कर रहे होते हैं. इसके अलावा इसके example में interleukin 8 है, eotaxin है that will attract eosinophils and lymphotactin है. So these are some examples of chemokines. There are some other mediators like neutrophilic granules. Neutrophils के जो granules हैं, cationic proteins होती हैं, उसमें they increase vascular permeability, immobilize neutrophils, chemotactic for mononuclear phagocytes. तो macrophages के लिए neutral proteases generate other mediators and degrade tissue. ऑक्सीजन ड्राइव फ्री रेडिकल्स में आपके पास जो आपकी किलिंग है फेगोसाइटोसिस में, तो न्यूट्रोफिल्स उस दौरान रेस्पिरेटरी बर्स्ट के थ्रू ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये तो बेसिकली तो माइक्रोब को किल करने के लिए होता है जो कि इंगल्फ किया हुआ हो, लेकिन अगर ये बाहर आ जाए सेल से या सो दे कैन कॉज टिश्यू डैमेज ऑल्सो. द सेकेंड कैटेगरी ऑफ मीडिएटर्स आर प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स. प्लाज्मा डिराइव्ड में हमारे पास आते हैं पूरे सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, कोगुलेशन एंड काइनिन सिस्टम है. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें प्रोटीन्स हैं जिनको हमने नंबर के थ्रू इनको असाइन किया हुआ है, लाइक C1 से C9 तक की जो प्रोटीन्स हैं दीज आर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स. एंड इसमें फिर कुछ एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म है, सो C1A and B दे आर फर्दर क्लासिफिकेशन. सो एक्टिवेशन ऑफ C3 कॉम्पोनेंट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कॉम्पोनेंट होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, और C3 कॉम्पोनेंट की एक्टिवेशन से फिर फर्दर जो है एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है और वो फिर डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है. तो देर आर 3 पाथवेज जिनके थ्रू C3 कॉम्पोनेंट इसका एक्टिवेट हो सकता है, जिनके नाम है अल्टरनेटिव पाथवे, क्लासिकल पाथवे और लेक्टिन पाथवे. तो इन 3 पाथवेज में किस तरह से हमारा जो C3 कॉम्पोनेंट है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है और वो क्लीव होता है C3B और C3A में. तो देर आर 3 पाथवेज. अल्टरनेटिव पाथवे में एक माइक्रोब जो है उसकी प्रेजेंस की वजह से और उस पर एक्टिवेशन स्टार्ट हो सकती है और डायरेक्ट वो C3B के साथ अटैच जब होगा. एंड क्लासिकल पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ऑन दी सर्फेस ऑफ माइक्रोब के बनने की वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है. और लेक्टिन पाथवे में इज मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन एक शुगर होती है जो कि माइक्रोब्स की सरफेस पर होती है. सो ये जब बाइंड करती हैं आपके C3 को एक्टिवेशन में हेल्प कर सकती हैं. तो ये तीनों पाथवेज आपके C3 को जब क्लीव करते हैं, पूरा प्रोसीजर एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का कैस्केड स्टार्ट होता है जिसमें वन बाय वन दूसरी प्रोटीन्स भी एक्टिवेट होना स्टार्ट होती हैं एंड
एट द एंड बहुत सारे कंपोनेंट्स बन जाते हैं एक्टिवेटेड, जैसे कि अगर C5A और C3A कॉम्प्लीमेंट बनती हैं प्रोटीन्स, ये हेल्प करेंगी आपके उसमें इन्फ्लेमेशन में थ्रू कीमोटैक्सिस, इनका फंक्शन होता है कीमोटैक्टिक ग्लूकोसाइड्स को अट्रैक्ट करना। C3B विल हेल्प इन ऑप्शनाइजेशन जो हमने पीछे बात की, और देन फेगोसाइटोसिस। एंड बजाते खुद तीसरा आउटकम ये होता है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के नतीजे में, दैट विल किल द माइक्रो। The proteins of complement system are in the greatest concentration in the plasma, and they require activation. Without activation, they will not work. Increase vascular permeability and cause vasodilation. बहुत सारे complement proteins का ये function भी होता है, mainly by releasing histamine from mast cells. Histamine को release करवाने में भी role है इनका. Increase leukocyte adhesion, chemotaxis, activation. So these are some general फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। C3B जो है वो ऑप्शनाइजर है एक बहुत अहम, एंड इनहांस फेगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस। कोगुलेशन एंड काइनिन सिस्टम जो कि प्लाज्मा ड्राइव मीडिएटर्स प्रोड्यूस कर रहा है ये भी पूरा सिस्टम, एंड ये दो सिस्टम है लेकिन दे आर इंटरलिंक्ड, इसलिए इनको इकट्ठे मैंशन किया गया है। कोगुलेशन सिस्टम में तो आपके पास जो फिब्रिन है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ क्लॉट। बट इसके साथ साथ जो हमारे पास कोगुलेशन एक प्रोटीन है होती है फैक्टर 12, हेगमैन फैक्टर उसको कहते हैं, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये एक काम करता है कि प्लाज्मा में मौजूद प्री कैलरिन एक प्रोटीन को कन्वर्ट करता है कैलरिन कैलिक्रिन में, और ये काइनिन कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा, और मौजूद ब्रेडिकाइनिन का ही एक प्रीकर्सर मौजूद होता है प्लाज्मा में, दैट इज हाई मॉलिकुलर वेट काइनिन, तो दैट विल कन्वर्ट इंटू ब्रेडिकाइनिन, एंड ब्रेडिकाइनिन विल शो इट्स इफेक्ट्स जो इसके सारे फंक्शन हैं। इसके अलावा क्लोटिंग सिस्टम में हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, उससे थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है, थ्रोम्बिन विल कन्वर्टिंग फिब्रिनोजेन द इनएक्टिव फॉर्म इनटू द फिब्रिन, एंड फिब्रिन विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ क्लॉट। एंड इस जहाँ फिब्रिन बनना स्टार्ट होता है तो फिर एक और सिस्टम, ये दीज सिस्टम्स आर इंटरलिंक्ड, तो एक और सिस्टम के फिब्रिनोलिटिक सिस्टम इस फिब्रिन को डिग्रेड करने के लिए भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, सो दैट विल आल्सो लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। तो दीज सिस्टम्स आर इंटरलिंक्ड, और ये सब मीडिएटर्स जो हैं वो अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन को मीडिएट कर रहे होते हैं। ब्रेडिकाइनिन जो काइनिन सिस्टम का आपका प्रोडक्ट है, दैट इज अ वेरी स्मॉल पेप्टाइड दैट इज रिलीज फ्रॉम प्लाज्मा प्रीकर्सर, ये वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है, डायलेट ब्लड वेसल्स, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाना, पेन जो हो रही है इन्फ्लेमेशन उसका भी एक कॉज है, एंड रैपिड इनएक्टिवेशन होता है, शॉर्ट लिव्ड है, इजीली इसको ख़त्म कर दिया जा सकता है बाय द काइनेसिस। इट्स समरी ऑफ द होल लेक्चर, ये टेबल जो है ये आपकी बुक रॉबिन्स पैथोलॉजी से ही लिया गया है, और एक तरह से पूरे लेक्चर को समराइज कर रहा है, क्योंकि इसमें सब मीडिएटर्स के बारे में उनका सोर्स जो है वो लिखा है, और देयर सम मेन फंक्शंस भी इस टेबल में मेंशन है। तो टेबल्स रॉबिन्स के बहुत अच्छे हैं, आप टेबल्स को ज़रूर देखें, और वहीं से सारे मीडिएटर्स और इनके फंक्शन याद करना आसान भी होंगे। तो जैसे यहाँ पर हिस्टामिन है, ये इसका सोर्स ये सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स में मास सेल बेसोफिल्ट्रेट्स, एंड ये करवा के वैसोडाइलेशन, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। सीरोटोनिन है, प्लेटलेट से निकलता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिंस हैं, ये क्या काम करते हैं, पेन फीवर में इंपॉर्टेंट है। देन इंटरल्यूकिन 1-6 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, दे डू दी एंडोथेलियल एक्टिवेशन है, फिर शॉक फीवर, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, कीमोकाइंस कीमोटेक्सिस के लिए इंपॉर्टेंट है, देन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ये टेबल जो है वो एक तरह से समराइज कर रहा है पूरे आपके इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स को। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन यहाँ पर ख़त्म होती है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन।